So hi guys, welcome to our channel, let's explore. Oh hi Bhagyasri, welcome to you again. So दोस्तों अभी या थैंक यू. तो दोस्तों अभी हम लोग हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये हैदराबाद में है. और अभी हम लोग अपना नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तमिलनाडु के लिए, बेसिकली साउथ तमिलनाडु आप कह सकते हैं. हम इसमें कवर करेंगे मदुरई, देन जाएंगे रामेश्वरम, फिर कन्याकुमारी और फिर केरला में त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल दर्शन करके आएंगे. तो ये बेसिकली ये स्पिरिचुअल टूर रहेगा. और अभी हम लोग या विथ पेरेंट्स तो हम लोग जा रहे हैं अभी तीर्थ यात्रा. और ये आप बहुत जानते भी होंगे कि ये चार धाम से एक धाम है रामेश्वरम जो है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते रहेंगे. और हमसे जुड़े रहिए, पूरा ट्रिप मज़ेदार होगा. और फिलहाल अभी हम लोग बहुत भूख लगा है और हम जा रहे हैं यहाँ पे 2 रुपए में डिनर करने के लिए. कहाँ? हैदराबाद. बताएंगे कहाँ गए थे और कैसा था डिनर, और हम दिखाते हैं आपको कहाँ पे जा रहे हैं. तो ये देखिए, ये है प्रीमियम प्लाजा लॉन्च. और यहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और बहुतों को ये मालूम भी होगा, और दिस इज़ इन्फॉर्मेशन दो छू डोंट नो. ये जो देखे आप प्रीमियम प्लाजा लॉन्च, अगर आपके पास डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से और लॉन्च के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 रुपए में आप डिनर का मज़ा ले सकते हैं. और हम अभी आपको इसका फीडबैक देते हैं कैसे हुआ. तो कैसा रहा आपका ट्रिप? नहीं, पहले डिनर की बात. बहुत अच्छा था डिनर. और क्या क्या खाया आप? मैंने पास्ता भी खाया और समोसे भी खाए. तो चाइनीज एंड इंडियन, तो फ्रेंड्स इट्स 2 रुपए में और क्या चाहिए, मस्त है. कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग. तो डेफिनेटली आप अगर प्लान कर रहे हैं तो यू शुड हैव द क्रेडिट कार्ड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव द टाइम. तो आपके पास समय निकाल के अगर आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फ्लाइट डिले हुआ. हाँ, तो इसका बेनिफिट हम ले लिए और कुछ नहीं. तो अभी हम लोग का फ्लाइट अभी टाइम है और शायद आधा घंटा है, 15 मिनट है बोर्डिंग के बाद. तो अभी हम फटाफट आप बता रहे हैं कि हमारा ट्रिप कहाँ कहाँ रहेगा. तो पहले हम जा रहे हैं मदुरई. तो मदुरई में क्या क्या घूमने वाला है आप? मदुरई में वो तो सरप्राइज रहेगा डेफिनेटली. और बाय द वे मीनाक्षी टेम्पल ऑल नोस. तो क्या है मीनाक्षी टेम्पल और क्या, उसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में. फिर वहाँ से जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे? रामेश्वरम आप कह सकते हैं, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो राम सेतु के बारे में, तो बे ऑफ बंगाल. या बे ऑफ द बंगाल और उसके दो वहाँ पे कहते हैं पार्क स्ट्रेट कहते हैं उसको. तो ये बहुत ही सुंदर जगह है. और श्री राम ने यहाँ, बहुत कंट्रोवर्सियल भी हो गया था बीच में अभी, और श्री राम सेतु यहाँ पे है. तो इसके भी पूरा डिटेल सेकंड वीडियो में रहेगा. फिर वहाँ से हम जाएंगे कहाँ? मदुरई, फिर रामेश्वरम, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं कन्याकुमारी. कन्याकुमारी यू नो इट्स अ मेनलैंड ऑफ इंडिया का लास्ट पॉइंट है. तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया. और ऐसे इंदिरा पॉइंट है शायद, और इंदिरा पॉइंट तो डूब गया 2004 की सुनामी में. तो दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट यू कैन से. वहाँ पे देखेंगे हम लोग विवेकानंद रॉक जाएंगे और कन्याकुमारी टेम्पल. उसका स्टोरी भी बताएंगे, विवेकानंद कैसे गए थे और क्या हुआ था, अगले वीडियो में बताएंगे. कन्याकुमारी में एक और सुचिंद्रम टेम्पल बोल के बहुत अच्छा है, वो भी जाएंगे. या सुचिंद्रम टेम्पल के बारे में ये बताया जाता है कि सती अनुसुईया का स्टोरी किसी को मालूम है शायद? हम थोड़े बाद में, थोड़ा पेशेंस रखो भाई. ठीक है, हम भी, हमको भी नहीं मालूम, हम भाग्यश्री से सुनेंगे. फिर वहाँ से हम जाएंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल. तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल अभी शायद 10-12 साल पहले ही बहुत फेमस हो गया था. क्यों फेमस हुआ था कुछ याद है? रिचेस्ट टेम्पल बन गया ना. या हाँ, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट गोल्ड्स, बहुत सारे डिफरेंट गोल्ड्स निकले. और अराउंड 1000 करोड़. तो ये तिरुपति से भी ज़्यादा अभी अमीर बन गए हैं अभी. तो भगवान को ऐसे अमीर और गरीबी नाम से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था, बट उनका टेम्पल यार, थोड़ी भगवान का कोई बोल रहा है. तो हम बट ऐसे ही आज पब्लिक व्यू ये बता रहे हैं.
तो मज़ेदार रहेगा जर्नी दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। 4 दिन में बेसिकली मैं बता दूँ, 4 दिन में हम 1000 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, 4 प्लेस कवर करेंगे, 2 स्टेट कवर करेंगे और 1000 किलोमीटर भी कवर कर रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स भी वहाँ पे हैं, तो इट्स ए फैमिली ट्रिप, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही देते रहेंगे। और कुछ भी आपको कैसा लगा और क्या हुआ ये आप डेफिनेटली हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए, हमारा शुरुआत है, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स एंड वी वांट टू लर्न। डाउट हो तो या फिर आप भी अपना ट्रिप प्लान करना चाह रहे हो तो हमें, तो दैट आल्सो वी विल ट्राई टू गिव, एंड इट्स ओनली आवर इनिशिएशन, तो डेफिनेटली वी आर नॉट परफेक्ट, सो ट्राई टू हेल्प अस एंड वी विल बी लर्निंग विथ यू ओनली, विथ योर फीडबैक एंड वी विल बी लर्निंग। सो फिलहाल अभी हम लोग का बोर्डिंग टाइम हो रहा है, और तो अभी 5 मिनट में मैं बस बता दूँ तमिलनाडु के बारे में बस। तो तमिलनाडु जैसे हम जानते हैं इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया, और तमिल जो भाषा है वो इंडियन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से सबसे पुराना भाषा है, ये कहा जाता है कि शिवजी संगम लिटरेचर, या इट्स दिस हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम संगम लिटरेचर, बट इससे माइथोलॉजी से जुड़ाया जाएगा तो ये बताया जाता है कि शिवजी ने 2 शिष्य उनको बनाए थे, एक है पाणिनि और एक है अगस्त्य ऋषि। तो पाणिनि को संस्कृत सिखाए थे और अगस्त्य ऋषि को वो सिखाए थे तमिल। अच्छा। तो तमिल कल्चर बहुत ही पुराना है, और आप जैसे जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे किंगडम भी रहे हैं जो कि फेमस है, चोला, चालुक्य एंड पांड्यास। चोला किंगडम को ये कहा जाता है, इट्स नायकर्स भी तो है बहुत सारे, यस नायकर भी थे बहुत कम टाइम के लिए थे, बट चोला किंगडम वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम। यू नो दैट थाईलैंड ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, ओह ग्रेट, सो इट्स थैंक्स टू मी बिकॉज ओके यू मेड मी लर्न, नो ओके व्हाट एवर मे बी। सो चोला और चालुक्य, पांड्या एंड नायक, तो नायकर्स। तो बेसिकली हम लोग जो सदर्न पार्ट जा रहे हैं, इट ये जो है यहाँ पे पांड्या का दबदबा था, और पांड्या नायकर्स ने ही ज़्यादातर टेंपल का स्ट्रक्चर्स किया ना, हाँ किए हैं, बट चोला के टाइम में ग्रोथ हुआ था। बताने के लिए दर्शकों बता दूँ, चोला साम्राज्य ने साधन साउथ ईस्ट एशिया का बहुत सारे कंट्रीज को अपना समुंदर के पावर से, दे वर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी एंड उसके वजह से वो कवर अप मतलब अपने किंगडम में ही रखे थे। तो उस समय श्रीलंका और तमिलनाडु जुड़ा हुआ था पाक स्ट्रेट से, और रिसेंटली अभी सुनामी और उससे पहले शायद 1970 अराउंड और समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट अराउंड रिसेंट 1974, सो उस समय शायद ये डूब गया। धनुषकोडी बीच, हाँ धनुषकोडी वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट ऑल्सो विल बी कवरिंग। सो दिस वॉज पूरा डूब गया, वहाँ पे अभी कोई नहीं रह रहा, बस हम चाहें तो बस वो बीच अच्छा है घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी वीडियो हम बताएंगे दर्शकों को। और आपको ये भी बताते हैं कि तमिल भाषा अपने आप में बहुत मधुर भाषा है, और अभी फिलहाल कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री तमिलनाडु गए थे, मोदी जी तमिलनाडु गए थे मेमोरियल का इनॉग्रेशन करने, हाँ, और वो गए थे मोस्ट प्रोबेबली आप बताएंगे तो चेन्नई के आसपास, कांचीपुरम में भी बहुत सारे टेम्पल हैं, और फिर हम जा रहे हैं मदुरई, वहाँ के आसपास भी बहुत सारे टेम्पल हैं। और बेसिकली चीज़ मैं बता दूँ कि इस मैंने जितना पढ़ा, साउथ इंडिया पे ज़्यादातर ऐसे विष्णु और शिव जी का, और या फिर ब्रह्मा विष्णु शिव जी दो तीनों का ज़्यादा मंदिर है, और वो सुचिंद्रम टेम्पल भी ऐसा ही है जहाँ पे तीनों गॉड्स हैं, इसीलिए वो यूनिक टेम्पल माना जाता है जिसमें शिवा, ब्रह्मा और विष्णु तीनों हैं। सो थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन एनलाइटनिंग अस। तो एक ज़माना था जिसमें वैष्णवाइट और शैवाइट में कंपटीशन चलते थे, तो कोई विष्णु का मंदिर बना रहा है तो आसपास शिव का मंदिर बनता था, तो ऐसे ही कंपटीशन आप कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे द्राविडियन स्टाइल भी हम आपको बताएंगे कैसे मंदिर, यहाँ का मंदिर नॉर्थ इंडियन के मंदिर से डिफरेंट है, वो भी हम फोटो एंड वीडियो से आपको विल ट्राई टू लर्न एंड विल ट्राई टू टेल यू ऑल्सो। सो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अभी फ़्लाइट पकड़ रहे हैं, तो फ्लाइट के बाद कैसा रहा जर्नी और बाकी सब कुछ भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा हैदराबाद एयरपोर्ट का व्यू दिखा देता हूँ 2-3 मिनट में, थैंक यू।
5 kilometers from the mean sea level. Our temperature is minus 5 degrees Celsius. We are 140 kilometers away from Madurai. We'll be shortly commencing our descent. Expecting to land another 25 minutes or zero traffic. In case of any delays in Madurai, I'll keep you updated. Madurai weather is looking good with a visibility of 3 kilometers. तो अभी हम लोग मदुरई एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं. अभी रात के बजे हैं 12 और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पूरा खाली है और लोग सामान अपना अपना कलेक्ट कर रहे हैं. हम लोग का शायद ये लास्ट फ्लाइट था और अभी शायद फ्लाइट डिले हो गया था हमारा 2 घंटा. और ये है मदुरई एयरपोर्ट का व्यू ऊपर से. तो हमको 2 घंटा लगा हैदराबाद से मदुरई आने के लिए. Even trains are available from Hyderabad, Bhubaneswar, Delhi. So you can choose. Yeah, but it takes a long time. So if you direct connectivity is not there, you can come via either Chennai or Bangalore. So choose accordingly flights. From Hyderabad it takes 2.5 hours, and it was we were delayed for 2 hours. Departure was delayed. So tomorrow we'll meet you. We are a little bit tired. Tomorrow we'll meet you for our trip, and I'll be updating you soon. Thank you. Good night.